सो हाय फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है. सो आई हैव क्लियर्ड माई DRNB फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूरोसर्जरी. सो ऑफिशियली मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ अभी. सो आई हैव डन माई न्यूरोसर्जरी एज डायरेक्ट 6 ईयर कोर्स आफ्टर द MBBS. अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है, तो इससे पहले मैं ये बोल देता हूँ, आज का टॉपिक पर्टिकुलरली इस बारे में है कि शुड आई टेक न्यूरोसर्जरी आफ्टर MS ENT और आफ्टर MS जनरल सर्जरी, व्हिच वन इज बेटर एंड व्हिच वन इज मोर प्रैक्टिकल. तो उसी चीज के ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. द थिंग इज, न्यूरोसर्जरी में क्या होता है कि आप ब्रेन का, स्पाइन का और कुछ हद तक जो है पेरिफेरल नर्व का सर्जरी करते हैं. अभी जो स्कल बेस्ड सर्जरी है, फॉर एग्जांपल किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर का सर्जरी करना है, किसी को CSF राइनोरिया, जो ब्रेन का पानी नाक से लीक होता है, उसका सर्जरी करना है, ओके, किसी को कुछ ऑर्बिटल ट्यूमर्स का सर्जरी करना है, किसी को कुछ कॉम्प्लेक्स स्कल बेस्ड सर्जरी करना है जिसमें एक्स्ट्रा क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट है और जिसमें थ्रू नोज मतलब नाक के जरिए हम सर्जरी कर सकते हैं. तो उसमें क्या होता है, हम एंडोस्कोप लगा के एंडोस्कोपिक एंडोनजल और ट्रांस नजल अप्रोच करके हम उस ट्यूमर्स को टैकल कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है. इट्स वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, यू नो, सेफ एंड इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर ऑल दो सर्जरीज. अभी बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि MS जनरल सर्जरी के बाद न्यूरोसर्जरी जब आप करेंगे, आपको पता चलेगा उसका मोर देन 99% कुछ काम पे नहीं आता. बेसिकली MS जनरल सर्जरी इज नथिंग बट ए वेस्ट फॉर 3 ईयर्स इफ यू गो फॉर न्यूरोसर्जरी. लेकिन उसी टाइम पे अगर मैं MS ENT का बात करूं, तो ENT में क्या होता है, यू गेट ए वेरी गुड एक्सपोजर फॉर एंडोस्कोपिक एंडोनजल अप्रोच, ठीक है. आप एंडोस्कोपिक अप्रोच करके जैसे कि सर्जरी किया जाते हैं, फेस किया जाते हैं, ठीक है, नाक का सर्जरी किया जाता है, साइनोसाइटिस होता है उसका सर्जरी, DNS septal करेक्शन, DNS का सर्जरी होता है, तो बहुत तरह का सर्जरी होता है. सो बेसिकली एनाटॉमिकली आप बहुत ओरिएंटेड होते हो नेजल एनाटॉमी में और उसका पैरानजल एनाटॉमी, पैरानजल साइनस का एनाटॉमी में, ठीक है. तो वो चीज़ बहुत हद तक, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, स्कल बेस सर्जरी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो चीज़, ठीक है. तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको न्यूरोसर्जरी MS के बाद करना ही है, ठीक है, MS जनरल सर्जरी से बेहतर, बहुत बेहतर ऑप्शन है MS ENT के बाद न्यूरोसर्जरी करना, क्योंकि आपको पहले से एक ओरिएंटेशन रहेगा एंटीरियर स्कल बेस लेजन और जो लेजन जो या तो डिफेक्ट मतलब जो पैथोलॉजीज है उसके बारे में और उसको डील करने के लिए. अभी बात यह आता है कि 3 साल का जो न्यूरोसर्जिकल एक्सपोजर है, इज इट एनफ. अगर ऐसा देखेंगे 3 साल का पोस्ट MS न्यूरोसर्जरी भी है और वर्सेस 6 ईयर न्यूरोसर्जरी भी है, तो मैं उसका कंपैरिजन में यही नहीं जा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. हर किसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स रहते हैं. अगर आप MS ENT करेंगे, द मोमेंट यू फिनिश MS ENT, उसके बाद आप कुछ नहीं भी करेंगे तो तब भी आपके पास एक डिग्री है जिसके बुनियाद पर आप कुछ कर सकते हैं. अगर आपको उस पॉइंट पर लग रहा है कि नहीं, आपको न्यूरोसर्जरी नहीं करना है, आपको हेड एंड नेक ऑंको में जाना है, यू वांट टू गो फॉर MCS प्लास्टिक सर्जरी, वो भी एलिजिबल है, आप आफ्टर डूइंग MS ENT यू कैन डू प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो, हेड एंड नेक ऑंको ऑल्सो, ठीक है, हेड एंड नेक सर्जरी ऑल्सो, वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन बहुत रिक्वेस्ट मुझे आया है कि न्यूरोसर्जरी कर सकते हैं कि नहीं. इट इज डेफिनेटली ए वेरी गुड ऑप्शन एंड मच बेटर ऑप्शन देन डूइंग MS जनरल सर्जरी फॉलोड बाई न्यूरोसर्जरी. सो अगर ऑप्शन है तो आप जरूर ले सकते हैं, इट इज वेरी गुड. ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए बाय बाय.